ये घड़ियालू आंसू बहा के वोट करता है, जनता को दिग्भ्रमित करके वोट विभक्त करना चाहता और भाजपा को जिताना चाहता है। पप्पू यादव जी वादा किए थे ना हम कांग्रेस छोड़ेंगे ना पूर्णिया छोड़ेंगे, कांग्रेस वो खुद छोड़ दिए और पूर्णिया उसको जनता छोड़ा देगी। पप्पू यादव महाभारत की स्थिति पैदा करने वाला है, पप्पू यादव शकुनी है। लालू यादव ने पहली बार जो अति पिछड़ी जाति के लोगों को टिकट दिया है, इसलिए अति पिछड़ा जाति जग गया है। बिहार में रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, ये पूर्णिया की धरती रिकॉर्ड वोट से जिताया है पूर्णिया को। बोलिए, ये इंडिया एलायंस महिला के सम्मान में यहाँ खड़ा है। ये इंडिया एलायंस आपको रिकॉर्ड वोट से बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। नहीं कुछ नहीं, पप्पू यादव है मधेपुरा लोकसभा, मेरा घर आलमनगर है, मैं जीपुर जिला परिषद हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के शुरू से ही नेत्री हूँ। मधेपुरा लोकसभा से जब उनको चुनाव टिकट मिला था, लालू जी दिए थे और जीते थे, तब हम लोग वैशाली कार्यक्रम हुआ था, वहाँ जब हम गए मंच पर तो पप्पू यादव खुलेआम लालू जी को बोले जो छाती पीट के मैं बिहार जीते, मेरी पत्नी भी मेरी पत्नी भी जीती, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं बचा सका। अब इनको पार्टी से निकाल दिया गया। पप्पू यादव महाभारत की स्थिति पैदा करने वाला है, पप्पू यादव शकुनी है, बिल्कुल शकुनी है। ये घड़ियालू आंसू बहा के वोट करता है, जनता को दिग्भ्रमित करके वोट विभक्त करना चाहता और भाजपा को जिताना चाहता है पप्पू यादव। क्या बात करें, गरीबों का मसीहा बिल्कुल नहीं। हम आपको बता देते हैं, हमारा आपका लूट के देख लीजिए। अब मधेपुरा लोकसभा में पप्पू यादव को जब टिकट मिला था, जब भी प्रचार में जाते थे तो निर्जला सिंह को वो बुलाते थे, जब चुनाव जीत गए तो उनको पूछा गया, हम एक सभा किए हम लोग, इस तरह की बात हो गई, कौन सवाल, बोले निर्जला जी इधर आइए, तो बोलते हैं कि कौन निर्जला सिंह, ऐसे व्यक्ति हैं कौन पप्पू यादव। जब तक उनको टिकट, जब तक उनको कुर्सी नहीं मिल जाता है तो बोलते हैं मैं आपका हूँ, सब कुछ हूँ, मेरा आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका नेता हूँ, सारे कुछ हूँ। महिला किसके साथ है पूर्णिया में? बीमा भारती के साथ है। बीमा भारती जिंदाबाद। बीमा भारती जी के निवास पर पटना में गई थी, बहुत मान सम्मान, दोनों पति पत्नी, जो भी जनता कार्यकर्ता को लेकर मैं जाते हूँ, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, ये जम के काम करती है और कार्यकर्ता को अपने निवास पर पहुँचा। महिला किसके साथ है पूर्णिया लोकसभा में? बीमा भारती। क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। बीमा भारती क्यों पसंद है आपको? पसंद है, महिला के लिए बढ़िया है, बढ़िया काम करती है, बढ़िया काम करती है। क्या नाम हुआ? मेरा प्रिया रानी। पप्पू यादव और बीमा भारती है मैदान में, कौन आपको अच्छा नेता लगता है? बीमा भारती। क्यों मैडम? ऐसे कि मतलब कि ये जो है सब चीज हम लोग को देखभाल सब चीज करता है, वो तो चोरी चपाटी सब चीज करवाता है, चोरी करवा देता है, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, लोगों को मदद करते हैं पप्पू यादव। नहीं करता है कुछ, कोरोना काल में नहीं देखे थे? कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। पूरा पटना में बाढ़ में पैसा बांटे हैं, राशन बांटे, कुछ नहीं, सब अफवाह है, सब अफवाह है, वो अफवाह है, हाँ अफवाह है। पूर्णिया का सांसद बीमा भारती जी बिल्कुल। कौन है पूर्णिया का सांसद? बीमा भारती। कौन चाचा? बीमा भारती। कौन? बीमा भारती। कौन? बीमा भारती। बीमा भारती। बीमा भारती चलिए है जी, पैसा लेके नहीं, ऐसे पैसा देके पप्पू यादव, पैसा देके पप्पू यादव, हम लोग नहीं। कितना पैसा मिला है बीमा? कोई पैसा नहीं, जनता मसीहा लेने वालों में है, अपना पैसा से चुनाव लड़ाएंगे, बिल्कुल तन मन धन। पप्पू यादव जी वादा किए थे ना हम कांग्रेस छोड़ेंगे ना पूर्णिया छोड़ेंगे, कांग्रेस वो खुद छोड़ दिए और पूर्णिया उसको जनता छोड़ा देगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पप्पू यादव ने ठगा नहीं। क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसने पप्पू यादव को ठगा नहीं। 40 साल से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, पूर्णिया के जनता को भी ठगा था और फिर ठगने आया, इस बार वो खुद ठगा गया। टिकट मिलने से पूर्णिया लोकसभा का एक अजीब समीकरण है, इनके विचारों से, इनके क्रियाकलापों से सभी
जाति धर्म के लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल। ऊपर है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। क्या लग रहा है माहौल यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है महागठबंधन का जो है ना, इस बार समझिए कि पूरे बिहार में सबसे अच्छा परसेंट चांस है जीतने का। 100% रहा नीतीश जी के बारे में जो है, देश की आजादी की लड़ाई जिस वक्त हो रही थी ना, तो अंग्रेज से जो लड़ रहे थे हमारे लोग सब, तो जो यहाँ के थे जेन्युइन लोग, जो अच्छे लोग थे वो लड़ रहे थे, और कुछ गद्दार लोग जो है माफीनामा दे रहे थे, ठीक उसी तरह से हमारे नीतीश जी कर रहे हैं। वो संविधान मिटाने वाले लोगों के साथ में ईडी के डर से, सीबीआई के डर से जाकर के उनके गोद में बैठ जाते हैं। आजादी के टाइम का इतिहास फिर हो रहा, दोहराया जा रहा है। नीतीश जी वही कर रहे हैं बार बार डर से। नीतीश जी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव कैसे पगड़िया बांधते हैं? ज्यादा पगड़ी बांधने यादव है, हम भी यादव है, यादव है। हाँ यादव है, देखिए ऐसे बांधता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे पकड़ता है। बीमा भारती जिंदाबाद। ज्यादा फूटेगा जी, बिल्कुल सब जाली सब साथ है। कबे कुछ ने लालू यादव जिंदाबाद, कबे कुछ ने अल्लाह के साथ है। 8 लाख वोटर ओबीसी वोटर, 8 लाख है। कितना लाख वोट से जीते? 8 लाख वोट में इनका घर में है। 5 बार विधायक रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनकी ताकत यहाँ की जनता को नहीं है। कबे कुछ ने देखिए टोपी पहने हुए हैं, क्या नाम है चाचा? भाई हलीम जावाज। जवाब जी हैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल, और लालू जी ने हमको प्रदेश में सचिव बना करके अति पिछड़ी जाति के बेटी को जिताने के लिए भेजा यहाँ पूर्णिया से। माहौल क्या लग रहा है पूर्णिया का? पप्पू यादव पूरा इंटैक्ट किए हुए हैं लोगों को। पप्पू यादव ने 10 जिला का छोकरे लोग को ले आकर पूर्णिया खड़ा करता है, उसे वोट बढ़ा है नहीं। और बीमा भारती के साथ सारा पूर्णिया का क्षेत्र का लोग है साथ में इनके, इसके टक्कर में कोई नहीं है। और ये लालू यादव ने पहली बार जो है पिछड़ी जाति के लोगों को टिकट दिया है, इसलिए अति पिछड़ा जाति जग गया है। जिंदाबाद। और ये भाजपा को मैं कहना चाह रहा हूँ, 400 बार भाजपा बोलती है, वो नीतीश कुमार 4000 बार लगा दिए हैं। हम मैं भाजपा को ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने कहा राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। क्या माहौल लग रहा है पूर्णिया में? ये माहौल कुछ नहीं है, आजादी के बाद जिंदाबाद। आजादी के बाद पहली बार इस महिला का, जिसका बेटा जेल में, पति जेल में, विधानसभा का सदस्यता चला गया, कुछ नहीं बचा है, न पैसा है, न अथी है। आम जनता का जितना सपोर्ट है, आप रात में जनसल आप देख रहे हैं ना, चुनाव में है ना, इसलिए लालू जी इनका पिता है, इसलिए ज्यादा मुस्लिम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ बीजेपी का एक दलाल है जो चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी के पैसे पर लड़ रहा है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। कौन है दलाल? अपने जनता चुन लिया है दलाल। अलविदा के नमाज में देख लिए होंगे काला टोपी आप लोग, वो नागपुर का टोपी है, वो पहचान है। बीजेपी के दलाल है कौन? बीजेपी के दलाल है काला टोपी पहन के अलविदा के नमाज में जो थे। पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा जनसमर्थन। और मैं एक इंजीनियर हूँ, और हमारा आवाज माननीय तेजस्वी जी, माननीय लालू जी आवाज है, और हमारी अति पिछड़ा के महिला कैंडिडेट, हम लोग पूरा तमाम इंजीनियर पूरे बिहार का हम साथ है, और हमारे नेता बीमा भारती और माननीय तेजस्वी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए तो लगातार बीमा भारती को समर्थन लोग कर रहे हैं, ये सभी पूर्णिया के जनता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब अलग अलग जाति से आते हैं, कोई यादव है, कोई भूमियार है, कोई अगड़ा है, तो कोई पिछड़ा है, तो कोई दलित है, कोई पासवान है, तो कोई रविदास है, सब बनिया भी है, बनिया सभी ठान लिया है बिहार में। जो हमको जो है बीजेपी वाले ठकने का काम किया है,
इस बार कहीं भी सीट नहीं दिया है। सुनील कुमार पिंटू का सीट काट के रामा देवी का सीट काट लिया है। इसलिए हम लोग जितने भी तेली समाज हैं, हमने तेली साहू सभा का उपाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश से इधर व्यवसायी प्रकोष्ठ का मोदी जी का जात होकर के मोदी को वोट नहीं दीजिएगा। मोदी जी का जात नहीं, यहाँ हम लोगों का नेता चाहिए। आजादी के पहली बार है, आजादी के बाद पहली बार है कि महिला कैंडिडेट में पिछड़े जाति को दिया है। इसलिए हम लोग सारा पिछड़ा गोल है, बीमा भारती जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। बीमा जी सोना वाला चश्मा दिए आपको बोलने के लिए? नहीं नहीं, सोने वाला चश्मा कह देगा, सोना वाला चश्मा अपना खुद पहनते हैं, पहनते हैं, सिपाही हैं। और आज का नहीं, हमने लालू जी के साथ में डॉक्टर प्रेमचंद गुप्ता गुड़गांव का, रामचंद्र साहू एमएलसी मर गए और रामचंद्र पूर्वे, और उस दिन से हमने लालू जी का सिपाही हैं। 4 जून को क्या होगा? जिंदाबाद होगा, जिंदाबाद बीमा भारती लाल जीतेगा। तो 4 जून को वोट से जीतेगी बीमा भारती, 4 लाख वोट से जीतेगी। पप्पू यादव बोलते हैं कि हम 12 बजे जीत जाएंगे। एक चीज बताइए, वह दिन नहीं देखना है पब्लिक को, संतरी वह दिन पब्लिक को नहीं देखना है जो देख चुका है। पूर्णिया में बनिया मरवारी प्लान कर चुका था, अभी फिर अस्थाई हुआ है। इसलिए बीमा भारती के ऊपर उम्मीद जताया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये सब देखिए, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जनता हैं, बीमा भारती लगातार मेहनत कर रही है, ऐसा लोग कर रहे हैं और कर रहे हैं कि इस बार 4 लाख वोट से पूर्णिया से बीमा भारती को हम लोग जिताएंगे। बहरहाल पप्पू यादव भी रन में आए, वो भी कम नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी 4 लाख वोट से जीतेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है?